या तो तुम इस तमंचे को घुमाओगे या मुझे। क्या करेगा पठान? ओ भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं वापस आ गई बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है पठान की लव स्टोरी बाय आर वाइंस। और लाइक मैंने इनकी ना एक वो भी देख रखी है पठान की वीडियो, और वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। तो मैंने सोचा कि चलो पठान की लव स्टोरी पे भी रिएक्ट किया जाए। तो मैं इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, और हम लोगों को पठान का नेचर पता ही है कि कैसा सा है ना, लाइक टीवी में जैसे दिखाते वैसे असली में पठान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब टीवी में जहाँ तक दिखाया जाता है लव स्टोरी के लिए कि भाई गलत है ना, बिल्कुल गलत है, वहीं पर जो पठान फैमिली उसको बड़े उससे एक्सेप्ट करती है अपना दिल बड़ा करके। और हम लोगों को पता ही है कि जो पठान है वो दुखों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। बाकी देखते हैं कि ये वाली वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, लेट्स स्टार्ट। खुदा की कसम शेरवानो, ये गुलखान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये फहीम गुल के सर की कसम, तुम जो कहेगा हम करेगा, हम तुम्हारे जान देने को भी तैयार हैं। गुलखान ये सब तो ठीक है, लेकिन पहली बात, मुझे तुम्हारा फहीम गुल दोस्त है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसकी नियत में मुझे खोट नजर आती है, या तो ये रहेगा या मैं। अब क्या? गुलखानी से बताओ कि मैं रहूंगा, पागल हो गई भाई। वो सीरियसली? ये लो शेरबानो, तुम्हारे लिए अपने 10 साल की दोस्ती भी खत्म कर दी। लेकिन गुलखान दूसरी बात, ये तुम्हारा तमांचा है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। या तो तुम इस तमांचे को घुमाओगे या मुझे। क्या करेगा पठान? ओ भाई, देखो शेरबानो, तुम्हारे लिए ये तमंचा भी गायब कर दिया। तुम्हारी खातर ये गुलखान आज के बाद तमंचे को हाथ भी नहीं लगाएगा। गुलखान ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारी उर्दू है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आता था, जाता था, खाता था, या तो सही अंग्रेजी सीख लो या मुझे छोड़ दो। बस इतनी सी बात, जब से मुझे पता चला है ना शेरबानो कि तुम्हें अंग्रेजी पसंद है, तब से मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू की है। और देखना, 2 महीनों में अंग्रेजी सीख जाऊंगा। हैं? 2 महीनों में? वो कैसे? हैरान होने की जरूरत नहीं, ये सब मैंने यू डिक्शनरी से सीखा है। इसमें पश्तो का लफ्ज डालो, अंग्रेजी में तब्दील हो जाता है। देखो अभी मैं डालता हूँ, संगय हाउ आर यू, मैंने बहुत अंग्रेजी सीखी है इससे। I'm fine. और 2 महीनों में गारंटी के साथ मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, और ये मैं पर अंग्रेजी पर बोलूंगा, इंग्लिश 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 इंग्लिश। हाँ, ये खाना भी आ गया। वाओ गुलखान, मुझे तो पता लग गया कि तुम मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते हो, और मेरे लिए तुम हर कुछ छोड़ सकते हो। बस ये एक आखिरी ख्वाहिश है, और मुझे पता है कि तुम मेरे छोड़ दोगे, या नसवार या मैं। नस्वार क्या? नस्वार क्या होता है? I think it is some kind of drug. ओ भाई, उसको फेंक दिया बाहर, ये इतना इंपॉर्टेंट था उसके लिए। तुम हमसे हमारा जिंदगी मांग लेते, हाँ। हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन तुमने तो हमारा गुरूर छीनने की कोशिश की। क्या है, क्या ये ऐसे गुटका है क्या ये? एक चुटकी नस्वार की कीमत तुम क्या जानो शेरबानो, ये तो सर दर्द का सातूर होता है। जाने से पहले हमारा बात सुन लो, यू डिक्शनरी के नए फीचर से आप किसी भी वर्ड को स्कैन करके उसका मतलब जान सकती है। ये देखो आपके सामने ये वर्ड स्कैन करता हूं, आई एम फाइन, ज़खायम, आप डाउनलोड करेगा ना? चलो चलता हूँ। वाओ वाओ वाओ, क्या कमाल की वीडियो थी ना यार, बहुत छोटी सी थी, बस ये एक इसका कॉन्सिक्वेंसेस था। मैं चाहती थी कि यार ये थोड़ी बड़ी होती ना, तो बहुत मज़ा आता है इस वीडियो को देखने में। तो एक्चुअली
होता क्या है कि वो जो बानो होती है ना, वो बोलती है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, बोलती है दोस्त छोड़ दो, तो 10 साल पुराना दोस्त छोड़ देती है ना, वो बोलती है कि मतलब आप ये छोड़ दो अपनी बंदूक, मेरे को नहीं पसंद है कि आप अपनी बंदूक चलाते हो, तो उसने बंदूक छोड़ दी, लेकिन लास्ट में वो बोलती है कि आप ये अपना ये जो खा रहे हो वो छोड़ दो। लाइक आई डू थिंक वो कुबेर थी, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या पठान खाते हैं भाई, क्योंकि दिस वॉज अ थिंग विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी, है ना, मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि भाई जो पठान होता है ये भी खाता है। क्या पता मोस्टली खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, क्या पता थोड़े बहुत खाते हो, ज़्यादातर नहीं खाते हो, है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि हम पठान के टिकटॉक पे और रिएक्ट करें या फिर और की पठान की वीडियोस पे रिएक्ट करें, तो प्लीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मेल डाल दूंगी, आप वहाँ पे मुझे वीडियोस भेज सकते हो, मैं कोशिश करूँगी उस पर ज़रूर रिएक्ट करने की, कोशिश नहीं मैं बता रही हूँ, मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने दे रखा है लिंक, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी वीडियोस भेज सकती हूँ, मैं ज़रूर उन वीडियोस पर रिएक्ट करूँगी। तो गाइज यही था मेरा रिएक्शन, आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।